जो कि बहुत ही बढ़िया है। देखिए तो 250mm लेंस जो कि जूम बहुत ही अच्छा होता है, और 18-55 लगा के नहीं दिखाया आप लोग को क्योंकि बहुत ही छोटा है और वाइड एंगल लेंस है तो इसलिए नहीं दिखाया। और मैं टेक के बारे में ज़्यादा नहीं बोलूँगा क्योंकि मुझे ज़्यादा नहीं आता है टेक के बारे में, इसके बारे में मुझे ठीक से नहीं पता है, जितना भी आता है आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो इसका जो स्पेसिफिकेशन है ये 24.1 मेगापिक्सल का कैमरा है, और इसमें जो इनबिल्ट फ्लैश होता ही है, 9 ऑटो फोकस है इसके अंदर। तो अभी इसको आप लोग के साथ कुछ फोटोज़ तो शेयर ज़रूर करेंगे, पहले रख लेते हैं इसको अच्छे से, फोटोज़ तो शेयर करेंगे, उससे पहले आप लोग को थोड़ा सा फुटेज दिखाएंगे इसका। आइए तो अभी ये लगा है 250mm का लेंस, और 250mm का लेंस के साथ जो जूमिंग क्वालिटी आता है कुछ इस तरह से देखिए। क्लियर देख पा रहे हैं आप लोग? तो यही बोलूंगा, अभी फोटोज तो देख लिया आप लोग शायद से या लास्ट में दूंगा मैं, तो यही बोलूंगा अगर आप लोग लेना चाहते हैं एंट्री लेवल DSLR तो ले सकते हैं, और अगर आप थोड़ा सा देखे मतलब कैनन 200D जो आता है वो अगर वीडियो ब्लॉगिंग के लिए लेना चाहते हैं वो भी ले सकते हैं। मेरा तो पोको X2 फोन यूज करता हूँ जिसका कैमरा मुझे पर्सनली बहुत ही बढ़िया लगता है, और अगर आप लोग फोटोग्राफी के लिए लेना चाहते हो तो ले सकते हो इस कैमरे को, बाय कर सकते हो। मेरा मानना ये कि आप मतलब 250mm के साथ ही जाइए थोड़ा सा एक्स्ट्रा पे करके, क्योंकि अलग से अगर बाय करेंगे इसको तो 12,000 समथिंग कुछ आ जाता है, लेंस कभी कभी कम भी हो जाता है। तो ये था वीडियो, थोड़ा सा बीरोल देख लीजिए कैमरा का, उसके बाद इधर से निकलते हैं क्योंकि घर जाना है मेरे को, घर से कॉल आ रहा है बार बार। तो ठीक है, ये था वीडियो, चलिए मिलते हैं किसी और दिन और किसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। और वेट, अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके जाना, लाइक करके जाना, डिसलाइक जो भी करना चाहते हो वो करके चलिए जाइएगा, और घंटे को भी दबा के जाना यार, क्या करते हो। ठीक है, चलिए मिलते हैं और किसी दिन और एक वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।